ये 2.5 किलो का हाथ अगर किसी पे उठता है तो व्यक्ति उठता नहीं है, उठ जाता है। ये डायलॉग सनी पाजी का जिस तरह से मूवी में तहलका मचाती है, वैसे ही ये बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिलेगा। आज 39वें दिन पे सारे पहले के प्रेडिक्शन को तोड़ते हुए सनी पाजी की इस मूवी ने एक नया मुकाम कायम किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ अपने घरों में। गदर 2 जो मैंने कल बताया था, वो कलेक्शन मेरे प्रेडिक्शन या मेरे कलेक्शन के हिसाब से नहीं था। उसका वजह यह था कि जो कल रिपोर्ट आई थी, आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा कि वो रिपोर्ट के हिसाब से कलेक्शन रॉन्ग था, या बोल सकते हैं कि गलत था और नीचे था। अब जो कलेक्शन रिपोर्ट किया गया है या जो आई है फाइनल, वो रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मैं हमेशा बोलूंगा रिपोर्ट बताने के बाद आपसे बात करते हैं। गदर 2 जो 5वां वीक चल रहा है इसका, डे 36, उसमें इसने कमाया, जो पहला मैंने बताया था 44, वो हो गया, फ्राइडे का दिन था, वो हो गया 55 लाख। और डे 37 मतलब 6 सैटरडे जो मैंने 71 लाख बताया था, वो दोस्तों हो गया 95 लाख। और डे 38 6 संडे जो मैंने बताया था 1 करोड़, वो हो गया 1 करोड़ 22 लाख। और डे 39 मैंने उम्मीद किया था कि मतलब ये भी कलेक्शन प्रेडिक्शन किया था कि अच्छा ही होगा। अब डे जो 39 है, मंडे का दिन है, उस दिन का कलेक्शन है जो एडवांस बुकिंग के हिसाब से प्रेडिक्ट किया जा रहा है 60 लाख के हिसाब से। तो दोस्तों आप सोचिए कि इन 2 दिनों में 3 दिनों में जो 44 था वो 55 हो गया, जो 71 था वो 90 के ऊपर 95 चला गया, और जो मैं 1 बताया था वो 1.22 हो गया। तो करीब करीब आप देखिए 60-70 लाख का डिफरेंसेज आ गया। हम क्यों बोलते हैं कि गदर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। गदर भारत की जनता के साथ जुड़ा हुआ है, और जब जनता की भावनाएं इसके साथ मिल जाती हैं तो इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या आकलन करते हो, जनता क्या आकलन करती है, दोनों में डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कोई भी ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उसके ऑडिट करता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। इसलिए जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो रिपोर्ट है वो बाद में वेरिएशन होता है उसमें, या अलग अलग हो जाते हैं, और इसीलिए बाद में अलग आता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जनता जब जिसके साथ जुड़ जाती है, और जनता जब ये मान लेती है कि ये मेरी मूवी है, मुझे देखना है, इस मूवी को मुझे हिट कराना है, तो यकीन मानिए दोस्तों कोई उस मूवी को हिट कराने से नहीं रोक सकता। आप कोई भी गुणा भाग लॉजिक लगा लो, आगे आड़ा तिरछा कुछ भी कर लो पिक्चर को डिमीन करने के लिए, फ्लॉप कराने के लिए, लेकिन कोई भी नैरेटिव सेट नहीं हो पाता, या हिट नहीं हो पाता, या काम नहीं कर पाता जब एक बार जनता ये ठान लेती है कि ये मेरी मूवी है, मैंने इसमें काम किया है, मेरी भावनाओं से जुड़ी है, तो दोस्तों वो रॉकेट की तरह बाहर निकलती है। यही कारण है कि आज अपने 39 डेज के बाद गदर को प्रेडिक्ट करते समय कोई भी क्रिटिक्स, कोई भी ट्रेंड एनालिस्ट सच साबित नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो प्रेडिक्ट करता है, वो जो बताता है, अगले दिन वो गलत हो जाता है। अब ये जानबूझ के करते हैं कि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि गदर, एक ये भी नैरेटिव होता है कि गदर को अगर हम कर्म करके दिखाएं तो और जनता कम जाएगी। तो अब क्या होगा ये तो एनालिसिस हम हर पहलू से, मैं कोई
केवल ये नहीं बोल सकता कि पिक्चर ऐसी है, कि मेरा काम है एनालिसिस करना, हर पहलू पे मैं चर्चा करता हूँ, हर पहलू को आपके सामने रखता हूँ कि गदर का अगर पहले से वो उन्होंने ट्रेड ने बताया तो क्यों अक्सर उससे अलग इतर होता है। तो इसका यह कारण है कि या तो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ऑडिट नहीं हो पाती प्रॉपर, तो इसलिए वो बता नहीं पाते। दूसरा कि जो उनका प्रेडिक्शन है, क्योंकि जनता जुड़ी हुई, जनता की भावनाओं को पढ़ नहीं पाते कि जनता कहाँ तक जा रही है। और तीसरा कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि पहले से एक नैरेटिव सेट किया जाए कि ये पिक्चर के लोग देखने ना जाए और जितना हो सके हम इसको डेंट कर सकें। तो कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इसका प्रेडिक्शन करना बड़ा ही नामुमकिन है। लेकिन एक चीज़ का मैं प्रेडिक्ट जरूर कर सकता हूँ, वह आपका आपका प्यार जो आपने गदर 2 को दिया, जिसको आपने अपनी मूवी मान के चलाया। और इसी वजह से दोस्तों ये मूवी आज तक टिकी है, और मैं आगे भी बोल रहा हूँ आप देखिएगा, भले वीकडे शुरू हो रहा है तो आज भी अगर 60 लाख की कमाई कर लेती है और ये अगर आगे बढ़ती है, जैसे कि कल सॉरी मंडे को 60 लाख का मैंने प्रेडिक्ट किया है, तो आज गणेश चतुर्थी है, मंगलवार है, तो अगर आज भी अगर 90 लाख को क्रॉस करती है तो आप ये समझिए कि इसी हफ्ते मंडे तक पठान का रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। और गदर मेरा प्रेडिक्शन है कि 700 करोड़ को टच जरूर करेगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ये शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब आंकड़ा आया तो मैं भी शॉक हो गया कि मैंने तो अलग इसका प्रेडिक्शन किया था, अलग आंकड़े आए थे तभी 44 लाख, 55 लाख और 71 लाख, लेकिन इसका तो अलग ही, जब फाइनल जो इसका कैलकुलेशन आया बॉक्स ऑफिस से तो अलग ही है। तो हम कोई चीज़ को, मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें बोला भी था आपको कि भाई गदर 2 को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, ये एक मिरेकल है और ये एक जनता की भावना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे।